हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एनी फंक्शन विद सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। इन कोई फंक्शन है अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास फ्रेंड्स डेल स्क्वायर, अगर यू और वी कोई दो फंक्शन है तो उसके लिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यानी कोई एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी फंक्शन होगा तो उसमें यू और वी हार्मोनिक होंगे अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब हम एक थ्योरम देखते हैं, इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड बी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। यानी कोई यू एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी एक हार्मोनिक एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन है तो उस कंडीशन में हमारे पास यू और वी जो होंगे बोथ हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ये हमें इसमें प्रूव करना है फ्रेंड्स। तो प्रूफ, लेट एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी बी एन एनालिटिक फंक्शन हमने ले लिया कि लेट एफ जेड बराबर कोई यू प्लस आयोटा बी है जो एक एनालिटिक फंक्शन है। देन उस कंडीशन में हमारे पास एनालिटिक सी आर इक्वेशन क्या होंगे, हमारे पास सी आर इक्वेशन जो होती है वो क्योंकि एनालिटिक फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स जो कि सी आर इक्वेशन है। ये हम अपने पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि कोई एनालिटिक फंक्शन सी आर इक्वेशन को किस तरह से सेटिस्फाई करता है। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया। अब हमने सेकंड इक्वेशन है इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस साइन यहाँ था ही पहले, तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये हो गया माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब हमने दोनों इनको ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर बी डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर बी डेल एक्स डेल वाई। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास इनका और किसी भी डिफरेंशिएशन में अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है। तो यहाँ से हमने ये दोनों इक्वल हैं, चूंकि ये इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इनका वैल्यू जो हो जाएगी जीरो आ जाएगी। तो ये हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम कह सकते हैं जो यू और वी जो दोनों थे वो हार्मोनिक फंक्शन थे। थैंक यू फ्रेंड्स।